TVS iQube TVS का भारतीय बाजार में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर था। आज भारतीय बाजार में TVS ने और ज़्यादा वेरिएंट और बैटरी ऑप्शंस के साथ में TVS iQube को लॉन्च किया है, जहां पर ये मेरे साथ में आप देख रहे हो iQube का सबसे सस्ता वेरिएंट, जिसकी कीमत शुरू होती है 85,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस के साथ में। तो इस स्कूटर के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, कितना बड़ा बैटरी पैक है उसके साथ में, कितनी स्पीड और कितनी रेंज है, ये सभी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। डिटेल में आपको बताने वाले हैं TVS iQube के बेस वेरियंट के बारे में। TVS iQube का जो बेस वेरिएंट है, ये डिज़ाइन वही आपको देखने को मिलता है जो अभी तक हम TVS iQube में देख रहे थे। कंपनी ने यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। मेजर जो चेंज आया है वो बैटरी पैक के अंदर आया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस कम हुई है और रेंज भी थोड़ी सी कम हुई है। तो कितनी रेंज वगैरह मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऊपर की तरफ आपको ये LED DRL सेटअप देखने को मिलता है। हेडलाइट सेटअप आपको नीचे मिलेगा। यहां पर कंप्लीट LED का यूज़ किया गया है। हैजार्ड का फीचर भी आपको मिलता है, तो चारों इंडिकेटर भी आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और यहाँ पर आपको 90x90 सेक्शन का 12 इंच का अलॉय देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में। साइड बॉडी से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का स्कूटर नज़र आता है। स्कूटर पर कहीं भी वेरिएंट की या बैटरी पैक की ब्रांडिंग कंपनी ने नहीं की है, तो दूर से देखने पर आप नहीं बता सकते कि ये कौन सा वेरिएंट है, बेस है या बेस के ऊपर वाला है। अब कंपनी ने डिफरेंस क्या रखा है, तो यहाँ जो बेस वेरिएंट लॉन्च किया गया है इसके अंदर 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस कम हो गई है और रेंज भी कम हो गई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मोटर वगैरह की बात करूँ तो वो आपको BLDC हब मोटर मिलती है। रियर व्हील के अंदर 12 इंच का व्हील है, सेम 90x90 सेक्शन का टायर है और सस्पेंशन के लिए यहाँ पर स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर आपको मिलते हैं। दोनों साइड पर आपको सस्पेंशन मिलेगा। टेल डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो ये भी आपको सेम मिलता है। LED टेल लैंप सेटअप पूरा दिया गया है। अब सीट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसका जो बूट स्पेस है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर सीट खोलने के लिए आपको यहाँ की लगानी है। और यहाँ अगर आप बूट स्पेस देखते हो तो 30 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। बूट के नीचे ही आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो कोई डिवाइस आपको चार्ज करना है वो आप कर सकते हो। और 950 वॉट का आपको चार्जर मिलता है, जो कि यहाँ पर ही प्लेस किया गया है। चार्जिंग पॉइंट जो है वो आगे मिलता है, जैसे iQube में पहले से आ रहा था। और बेस वेरिएंट अगर आप लेते हो तो यहाँ पर ही आपको 5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर कंपनी यहाँ ऑफर कर रही है, लेकिन अगर यहाँ आप देखोगे तो ये टच नहीं है, या फिर इसको टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पर स्विचेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेस मॉडल है ये, इस वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी कलर डिस्प्ले है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलती हैं। सारी चीज़ें आप एक्सेस करोगे, लेकिन उससे पहले आपको हटाना होगा साइड स्टैंड, और इस तरह से जब आप पावर ऑन करते हो तो डिस्प्ले कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर रीजनरेशन, इको, पावर मोड, ओडो, ट्रिप, एवरेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये तमाम जानकारियाँ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब जो बेस मॉडल आप देख रहे हो, इसमें आपको मिलेगा 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसके साथ में 75 की टॉप स्पीड आपको देखने को मिलेगी। ये टॉप स्पीड आपको मिलेगी इसके पावर मोड के अंदर, और कंपनी इसके साथ में जो रेंज बता रही है वो लगभग 75 किलोमीटर की बता रही है, जो कि आपको मिलेगी इको मोड के अंदर। दो मोड हैं, इको और पावर। पावर मोड में जब आप जाओगे तो स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वहाँ पर रेंज जो है वो कम मिलेगी। कितनी मिलेगी ये जब स्कूटर चलाएंगे, टेस्ट करेंगे, तब आपको बताएंगे। बाकी मोटा मोटी अगर बात करें तो TVS iQube अगर आप खरीदना चाहते हो तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है, जहाँ पर आप सबसे अफोर्डेबल iQube को कंसिडर कर सकते हो, जिसकी प्राइस जो है वो 85,000 रुपीज़ एक्स शोरूम आपको देखने को मिलेगी। रेंज 75 है। अब अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो iQube के अंदर और बैटरी पैक के ऑप्शन हैं, जैसे कि 2.2 के बाद में आपको 3.4 किलोवाट आवर का ऑप्शन मिल जाता है iQube S के साथ में, और आपको मिल जाता है 5.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक का ऑप्शन iQube ST के साथ में, जिनकी ज़्यादा जानकारी आपको दूसरे वीडियोस में मैं दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा, ये वेरिएंट आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।